मूड आ गया भाई। और सुबह के 5 बजे हैं, 4 बजे हम चले थे। यहाँ पे पंडाल वगैरह लगे हुए हैं, ये पुल है पुराना, तीसरा पुल आ गया, ये चौथा पुल आ गया है भाई। तो इसके साथ नए पुल का कार्य भी चल रहा है। चौथे पुल पे हम पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, पुलिस व्यवस्था का बहुत अच्छा प्रबंध है। भाई ये लहर आ गई, ये आ गया भाई 5वां पुल, और अब बच गए हैं 8। ये छठा पुल है, पूरी व्यवस्था इसमें लगी हुई है। विश्राम कर रहे हैं भाई, तो गांव के लोग कोई परेशानी नहीं, पीछे पीछे लगा हुआ है। ये पुल नंबर 7 आ गया भाई, अब मेरठ बाईपास। ये पुल एक और आ गया, 7वां नंबर, हमें अभी सीधा जाना है। आ जा भाई, अब हम पहुंच चुके हैं भोड़ा की जाल, और रिमझिम बारिश आ रही है। अब भोड़े की जाल पे पहुंच चुके हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, और समय हो गया 11:40। अब कुछ ही देर में हम यहाँ पे विश्राम करेंगे, उसके बाद हम अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। ले भाई, अब भोड़े की झाल चौक के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये कावड़े झुकी हुई है। और भाई यहाँ पे ये कावड़ियों के लिए शिविर लगा हुआ, यही शिविर है, ये सीवर नंबर 30 है, खतौली से यहाँ पर 30 नंबर सीवर है ये। पुल आ गया भाई, 8वां पुल। पुल
नंबर 9 है, बहुत जर्जर हो गया, नया पुल का निर्माण हो रहा है, नीचे से गंगा नहर बह रही है। और हमने नोवा पुल पार कर लिया है, आप देख सकते हैं। पुड़िया नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। अब टाइम हो गया 7। पूरी पुलिस व्यवस्था, बड़ा सुंदर इंतजाम है। ये पुल नंबर 10, अबे बम बम बोले। अब हम आ गए हैं लास्ट 11वें पुल पे। पेंगा गांव से 2 किलोमीटर के बाद गांव आएगा सोंधा, और वहां से आपको उस गुड़गांव वालों को वहां से लेफ्ट ले लेना पुड़िया के ऊपर से, और सीधा आप दिल्ली चले जाओगे। और अब रात के 8 बज चुके हैं, आज की यात्रा हम यही संपूर्ण करेंगे। कल सुबह उठ के फिर अपनी यात्रा को हम शुरू करेंगे। बोल शंकर भगवान की।